नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र काठगोदाम में चल रहे इंटर सेक्टर योगा प्रतियोगिता 2021 का गुरुवार समापन हो गया। यह प्रतियोगिता 8 फरवरी 2021 से 11 फरवरी 2021 तक संचालित की गई, जिसमें 20 सेक्टरों के 170 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में ऑल ओवर पुरुष वर्ग में राजस्थान सेक्टर पहले स्थान पर मिला। इस प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। जीतने वाले प्रतिभागियों को पदक उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र काठगोदाम ने वितरित किए। जो योगा ऑल इंडिया पुलिस योगा कंपटीशन होने जा रहा है, उसके अंदर सीआरपीएफ अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करेगी इस बार, तो इसलिए हम लोग पूरी सीआरपीएफ जितनी लगभग 3.5 लाख की फोर्स है, सबसे एक कंपटीशन करा के एक टीम का चयन किया है। ये टीम में से जो लोग सेलेक्ट होंगे वो फर्दर जो है अपना उस पर पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में। तो सर, किन किन राज्यों के हमारे यहाँ सीआरपीएफ की टीम है? सारे राज्य, पूरे राज्य हैं हमारे जो है। टोटल 20 सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में डिवीजन है, 20 सेक्टर्स की टीम। अंतर सेक्टर योग और अंतर स्थापना महिला योग प्रतियोगिता में राजस्थान सेक्टर ने 31 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि श्रीनगर सेक्टर 20 अंकों के साथ दूसरे और जम्मू सेक्टर ने 15 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। यहाँ को जितना अच्छा बोलेगा इतना कम मेरे लिए है। मैं हर जगह बहुत ऑल इंडिया ओवर में बहुत घुमा है। यहाँ का जो क्लाइमेट मेरे को सबसे बढ़िया लगा, यहाँ का आदमी का वातावरण, आदमी का बिहेवियर, क्लाइमेट सबसे टॉप लगा मेरे को। मैं राजस्थान सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और डेमोस्ट्रेशन लेकर हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 45 ईयर्स अबव और डेमोस्ट्रेशन में पार्टिस किया मैं और ये ओपन डेमोस्ट्रेशन पार्टिस किया मैं। मेरा हॉबी है यानी ये योगा करना, योगा कराना, योगा सिखाना। यहाँ ऑल ओवर तो गोल्डन मेडल ये कप मिला ऑल ओवर में और 4 मेडल मिला, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। और सबसे हमारा पार्टिसिपेट अच्छा रहा, परसेंट अच्छा रहा। ऑल इंडिया पुलिस योगा कंपटीशन होने जा रहा है, जिसके लिए सीआरपीएफ भी अपनी टीम को भेजेगा, इसलिए इंटर सेक्टर प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें 20 डिवीजन की सीआरपीएफ ने हिस्सा लिया था। अभी की इस खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।